एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल रूप रानी और सब व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ ससुराल में, तो इसलिए आप सभी का वीडियो थोड़ा सा मैं वॉच नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी गाइस। और ये है मॉर्निंग के टाइम में, और मेरी देवरानी बना रही थी करेले की भुजिया और साथ में रोटी, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया इस व्यू को। और उस दिन मॉर्निंग में बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि आपको मैं क्या बताऊं। और पता है आपको, बारिश हो जाने के बाद से मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि बस मतलब मैं क्या कहूँ, इतना मन लुभावन हो जाता है। और ना ये देखिए हरियाली कितनी अच्छी लग रही ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ना और देखने से। और यहाँ पे ना नींबू है, ये जो छठी माई को चटता है हम खाते ना नींबू, वही है पेड़ पे लगा। अभी ये हरा है, ये पक्का नहीं है, जब ये पक जाता है ना तो ये येलो कलर का हो जाता है। ये देखिए हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये है ना तरकुल का पेड़, जो गांव में लोग रहते हैं उनको पता होगा, एक तरकुल का पेड़ है जिसमें से ना एक फ्रूट्स निकलता है, मतलब खाजा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, उस टाइप का फ्रूट्स निकलता है। और इस टाइम ये पक्के गिरता भी है। और सब लोग इधर बाहर निकल के थोड़े से खड़े थे और व्यू बहुत अच्छा ला रहा था। और यहाँ पे देखिए नीम के पेड़, ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ना भूसा, इसमें ना भूसा रखते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं थोड़ा भूल गई हूँ, लेकिन हाँ शायद इसको भूसा इसमें रखते हैं। फ्रेंड्स, भूसा अनाज रहती है। और ये है मेरे ससुराल का घर, जो कि थोड़ा सा भी रिपेयर चल रहा है, घर में काम लगा हुआ था इसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल घर में ना दिख रहा है ना, सब सामान बाहर निकाल निकल रहा है क्योंकि ना घर प्लस्तरा हो रहा था इसके वजह से। और ये देखिए बारिश हो रही है, और यहाँ पे गैया सब खाना भी खा रही थी, और छोटा सा दुकान है ये। और यहाँ पे वीडियो बना लड़के ना, मतलब बिल्लू जिसका नाम है वो ना दरवाजे को कलर करे, तो मैं उनको चिढ़ा रही थी, बिल्लू देखो मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है ना जो दरवाजे के पल्ले होते हैं ना, वो मेरी जेठी जी के लड़के होते हैं, वो जस्ट कलर कर रहे हैं, क्योंकि ना ये कलर काफी टाइम से नहीं हुआ था। और ये है मेरा बेडरूम, बेडरूम मतलब क्या हुआ है ना, काफ़ी टाइम से कलर नहीं हुआ तो अजीब से मतलब दाग दाग से हो गए। गांव में काफ़ी टाइम से बिहार में बारिश हो रही है, कम से कम 3-4 महीने से बारिश हो रही है, और यहाँ पे तो बाढ़ भी आ चुके हैं, तो इसके वजह से ना थोड़ा दीवार भी ख़राब हो गया है। तो हम लोग सोच रहे थे क्यों नहीं इसको कलर कराएं, और जस्ट अभी बाबू का मुंडन भी आ रहा है, तो मुंडन में तो सब कुछ हम कलर कराएंगे ही रूमों, तो इसके वजह से अभी घर में काम भी चल रहा है। तो आपको जब ये सब हो जाएगा तो मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी अपना घर का, मतलब घर का होम टूर कराऊंगी ससुराल का कैसा है। और गांव में तो घर सब ऐसे ही होते हैं जैसे कि सबको पता है, गांव में बस नॉर्मली सा घर बनता है और उतने ही में बहुत अच्छा, जैसा भी हो गांव का घर बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए ये हो रहा है कलर, और ये है मेरा बेड, बेड को मैंने ढक इसलिए दिया है ताकि उस पर कलर के छींटे ना पड़े, ये मेरे ना पापा ने दिया था शादी के टाइम में, तो आपको कभी मैं दिखाऊंगी। ये बेड, बेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बोलते हैं ना मायके घर से जो भी सामान मिलता है बहुत ही अच्छा ही होता है, तो सच में ये बेड बहुत अच्छा भी है, आपको कुछ दिन में शेयर करूंगी। और ये है मेरा बेडरूम, ये है गोदरेज, और ना यहाँ पे ऐसे सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं नहीं रहती हूँ ना यहाँ पे, इसके वजह से घर बिल्कुल सिंपल में ही रहता है। जब मैं दो दो तीन महीने छुट्टी आती हूँ ना तब थोड़ा घर को डेकोरेशन करती हूँ, सजाती हूँ, क्योंकि फिर हम चले जाते हैं ना तो फिर तो घर में ऐसे सब गंदा पड़े रहते हैं, क्योंकि सासू माँ रहती हैं, सासू माँ अकेली ही रहती है, सासू माँ कितना हद तक सफाई करेंगी, इसके वजह से सब घर ऐसे गंदा रहता है। जब हम आते हैं तो फिर सब लोग घर सफाई करते हैं, और देखिए यहाँ पे सफाई हो रही है, सब लोग मिलकर सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं जस्ट यहाँ बैठी हूँ। अब मैं भी इसके बाद से वीडियो को मतलब बंद करके फिर मैं भी काम में लग जाऊँगी, तो आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में, ससुराल का ब्लॉग है, और आप लोग बताइए ससुराल का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक, आज मैं कुछ आप साथ मैं स्पेशल शेयर करने वाली हूँ जो देख के आप लोग को अपनी गाँव की याद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दरवाज़ा मतलब कलर हो गया है, मतलब जो जंगले का दरवाज़ा होता है ना खिड़की का, वो कलर हो चुका है ब्लू, और मैंने ब्लू इसलिए कलर कराया है ना ताकि देखिए यहाँ पे जो रूम है ना ये आपको अंधेरा में समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो इसमें ना जो पाड़ दिया है ब्लू रंग का दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ना ब्लू रंग का ही लगाया हुआ है दरवाजे में। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा,
कलर कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन? वैसे तो मैं ना भोजपुरी में ही गाँव में बातें करती हूँ, बस आप लोगों से थोड़ा बहुत हिंदी बातें करती हूँ क्योंकि पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए। तो अगर आप मेरा भोजपुरी लैंग्वेज सुनना चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं भोजपुरी में ब्लॉग बनाया करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये 12 बजे सारे मतलब 12 बज चुके थे और मैं यहाँ पे ना लंच कर रही थी। करेले की भुजिया है और घेवड़े और चना और चावल दाल और मैंने एक रोटी लिया हुआ है। तो आज मेरे घर में ये खाना बना हुआ और मैंने खाना कुछ इस तरह से निकाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी आइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और आप लोग को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लाइट, तो यहाँ पे ना गाँव में लाइट नहीं है, 3 दिन से ना काफ़ी बारिश हो रही थी इसकी वजह से लाइट कटा हुआ है। तो चलिए आप लोग काम चला लीजिएगा वीडियो से। चलिए मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। जो ये आप देख रहे हो ना, ये ना साड़ी से बनी हुई, जो पुरानी साड़ी होती है ना उसको हम ना कट करके काट काट के और कंटा क्रूस से हम लोगों ने बनाया। मतलब मैंने नहीं बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया हुआ है। और समझिए इतनी मतलब जो साड़ी हम पहनते नहीं उसको हम पैर पोछना बनाते, चाहे पूजा का आसनी बनाते, कितना अच्छा रहेगा ना, कम पैसों में इतना मतलब ये सामान बन जाता है। और कई तरह के मेरी मतलब कई तरह की मेरी बेटी ने बना रखा है, मुझे तो इसने देखिए लेके जाना अपने घर पर। और ये देखिए मैं यहाँ पर छत पे आ रही हूँ, शाम के टाइम हो गए तो, और चाय और बिस्किट लेके आ रही थी खाने के लिए। और मैंने बेटी को भेजा गुलगप्पा भी लाने के लिए कि रिचा जाओ आप गुलगप्पा लेके, आज हम गुलगप्पा खाते हैं। मैं देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, चाय बिस्किट में खा रही हूँ, ऐसे कुछ करके मैं खाती हूँ। कौन कौन खाता है आप लोग बताइएगा। मैं बोल रही थी मतलब मैं हम लोग जा रहे हैं नदी। और ये हम लोगों का प्यारा सा छोटा सा नाव, ये हम लोगों के गांव है, मैं इसमें अभी बैठूंगी और ये नाव चलाने वाले हैं। ये नदी है, देख सकते हैं आप लोग, वहाँ से सूरज भगवान डूबेंगे। और ये आसपास की हरियाली है, ये नाव है और ये नाव के पास कितनी सुंदर मौसम है। आज की बारिश हुआ था थोड़ा बहुत, आप सभी को पास से सूरज भगवान दिखाऊं। गाइस स्टार्ट हो गया है और ये मतलब दूसरा नाव है, ये मछली मारने वाला नाव है। गाइस मैं इसे भी दिखाने की कोशिश करूंगी खुद से, इसमें मछली मारते हैं। सो गाइस और मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ भी एक नाव है, आप सब देख सकते हैं पास से। और यहाँ छठी मैया और ये गांव में गॉट है, बकरी जिसे बोलते। और ये कुछ आदमी है और ये हम लोगों के आसपास हरियाली है। आज तो बतख भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया है गाइस, पूरा पानी पास। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले गाइस। और बहुत ही मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, तो आप सभी शेयर भी नहीं करते, लाइक करना भी भूल जाते। प्लीज़ गाइस कीजिए, किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। गांव की छठी में ही है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग फाइनली बाज़ार में आ चुके हैं। तो आज हम लोग आंटी ने बोला था गुलगप्पा के लिए, तो गुलगप्पा के दुकान पर चलते हैं। आ गई है ना गाइस। तो गाइस हम लोग आ रहे हैं और ये आने के समय का वीडियो। ये नदी है, बहुत ही मतलब बड़ा नदी है, मतलब गर्मी के दिन में सूख गया था पानी, अब थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, आप से भी देख सकते हैं। और देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके। मैंने नाइट का नहीं शूट किया क्योंकि ना लाइट कट चुकी थी, इसके वजह से मैंने शूट तो किया हो लेकिन डाला नहीं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता इसके वजह से। और हम लोगों ने सास बहू ने लिट्टी चटनी मिलके बनाया हुआ है, अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए
आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग बाय बाय ऑल, लोग शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। मिलती हूँ आप तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस।